दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज के पीछे सफेद लकीर क्यों बनती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वह जलने के बाद गैस के रूप में हवाई जहाज से बाहर निकलने लगता है। ऊपर का तापक्रम कम होने के कारण बाहर निकली हुई गैस ठंडी होने लगती है और छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। जब सूर्य की किरणें इनसे टकराकर हम तक पहुंचती हैं तब यह सफेद लकीर के रूप में दिखाई देती है। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे अगले फैक्ट की और जानेंगे अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में सीट बेल्ट क्यों लगाना पड़ता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल बात यह है कि हवाई जहाज में सामने से टक्कर होने की संभावना बहुत कम होती है। जब हवाई जहाज बादलों में जाता है तो अचानक से नीचे की ओर गिरने लगता है और सवारी अपनी सीट से ऊपर की ओर उछलने लगती है, इसलिए सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, बात करेंगे अगले फैक्ट की और जानेंगे अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लेन में मोबाइल फोन क्यों ऑफ करवा दिया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब हवाई जहाज उड़ान भरता है और उसे लैंड कराया जाता है तब पायलट लगातार राडार और कंट्रोल रूम से संपर्क में रहता है। अब अगर ऐसे में मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं रहता है तो पायलट के हेडफोन पर अजीब सी आवाज आने लगती है और कंट्रोल रूम से संपर्क करने में बाधा बन जाती है। कंट्रोल रूम से संपर्क करने पर किसी भी प्रकार की बाधा ना आए इसके लिए मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिया जाता है। आइए दोस्तों, बात करेंगे अगले फैक्ट की और जानेंगे अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हवाई जहाज के अंदर फाउंटेन पेन को क्यों साथ लेकर नहीं जा सकते? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हवाई जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और ऊंचाई के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फाउंटेन पेन के अंदर मौजूद इंक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है। हाई अल्टीट्यूड पर प्रेशर में फर्क होने की वजह से एयर कॉलम फाउंटेन पेन की इंक पर दबाव डालता है और इंक पेन की निब के पास जमा हो जाती है और पेन लीक करने लगता है, इसीलिए हवाई जहाज के अंदर फाउंटेन पेन को नहीं ले जाया जाता है। आइए दोस्तों, बात करेंगे अगले फैक्ट की और जानेंगे अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हवाई जहाज को ऊपर कैसे उड़ाया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब हवाई जहाज आगे बढ़ते हैं तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। हवाई जहाज में उपस्थित एयरफॉइल अपने सामने आने वाली हवा को अलग अलग बांट देता है। यह ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम कर देता है और दोनों एयर स्ट्रीम को नीचे की तरफ गति देता है। जब हवा नीचे की तरफ बहने लगती है तब हवाई जहाज ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसके कारण हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।